नमस्ते क्लास, आज मेरा हिंदी का लेक्चर नंबर 3 है। हिंदी लेक्चर नंबर 3, इसमें मैं आपको आज वर्ण विचार करवाऊंगा। ठीक है, यहां डाल देता हूं वर्ण विचार। सबसे पहले देखेंगे क्या वर्ण क्या होता है। वर्ण के बारे में लिखेंगे, पहले एक डेफिनेशन है छोटी सी, उसके बाद बताऊंगा आपको वर्ण क्या होता है। तो लिखो, लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण होता क्या है, जैसे देखो मैंने लिख दिया आ, फिर मैं लिख दूंगा का, या मैंने लिख दिया खा या गा या पे, तो ये हो गए वर्ण। क्या हो गए वर्ण। लिख रहा हूं एक शब्द, लिख रहा एक एक वर्ण लिख रहा हूं, तो लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी लिखने के प्रकार से, वो भी वर्ण। दूसरा लिखो ध्वनि, इसकी भी एक डेफिनेशन बनती है, वो डेफिनेशन लिख लो। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई। मौखिक माने मुंह से बोलना, वो होगी क्या ध्वनि। मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। यहां लिख लो वर्ण और यहां लिख लो ध्वनि। मैंने आपको वर्ण बताया क्या होता है, कोई भी एक अक्षर आ या कै या खे या गे या पे या कोई सा भी वर्ण वाले में कोई सा भी अक्षर। और ध्वनि क्या होती है, मौखिक रूप से बोलने के आधार पर। तो हम नंबर 3 लिखेंगे वर्ण व ध्वनि में अंतर। हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है। तो जैसे मैंने कोई शब्द लिखा कैमेला, ये मैंने कोई शब्द लिखा, तो इसके दो पार्ट बनते हैं। एक बनता है ध्वनि का और एक बनता है वर्ण का, इसी से ही हम अंतर डिफाइन करेंगे। तो देखो भैया, ध्वनि कैसे निकलेगी इसकी, के मैं ला, कितने हो गए, 1 2 3, 3 हो गए। और मान लो इसकी मैं वर्ण निकालूं तो कैसे निकालूंगा, के प्लस आ, फिर मैं प्लस आ, और फिर ले प्लस आ, तो कितने हो गए, देखो 1 2, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, 2 यहां हो गए, तो ये 6 हो गए, 6 हो गए ना। ऐसे ही मैं लिखता हूं कमला, में 3 ध्वनि आ रही है, खाली व्यंजन देखते हैं, ध्वनि के अंदर क्या देखते हैं, केवल व्यंजन देखते हैं। और इसमें देखो वर्ण के साथ हमें स्वर भी आ रहा है, के ए मैं ए ला, मतलब कि जो व्यंजन होते हैं ना वो स्वर की सहायता के अनुसार बोले जाते हैं, और जो स्वर होते हैं वो खाली
सिंपल बोले जाते हैं, ऐसे उसमें व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती। तो ध्वनि देखो हमने कैसे निकाली, कमला के मैला, तीन प्रकार वर्ण के है मैं है ले है, तो देखियो सिक्स प्रकार हो गए है नी। तो ये वर्ण और ध्वनि में अंतर है। पॉइंट नंबर फोर लिखेंगे इसमें रख कर पॉइंट नंबर फोर है वो है शब्द। क्या है शब्द? अब शब्द क्या होता है? तो शब्द होता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द कहलाती है। अब शब्द बनता कैसे है ये देख लो। एक डेफिनेशन और लिखो इसकी, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। जैसे मान लो हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था क मैं और ले, मैंने तीन वर्ण से एक शब्द बना दिया कमल। फिर मैं जल बना सकता हूं, जल है जल बना सकता हूँ ना। और क्या बना सकता हूँ भाई? वर्णों को मिलाकर मैंने शब्द बनाया और उसका क्या कुछ अर्थ निकल रहा है ना भाई? शब्द का अगर अर्थ निकल रहा है तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वो होगी शब्द। जल हो गया और लिख लो पंकज लिख लो, है नहीं, बहुत सारे शब्द। मतलब वर्णों को मिलाकर मैं शब्द बनाया और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? वो शब्द होगी। मतलब वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब पॉइंट नंबर पांच लिखो। पॉइंट नंबर पांच क्या हो गया? वो हो गया वर्णमाला। यहां तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता था, तो वर्णमाला में क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला है ना हमारी, इसमें हम क्या लिखते हैं? आ बड़ा आ, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, कृषि, ये सब लिखते हैं ना। तो हम क्रम से लिखते हैं और व्यवस्थित करके लिखते हैं, उसी हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहलाते हैं। पांच पॉइंट हो गए। इसे देखो पॉइंट नंबर सिक्स लिखवाता हूँ। फिर पॉइंट नंबर सिक्स लिखेंगे हम, यही लिखेंगे पॉइंट नंबर, इसे रफ कर देता हूं, पॉइंट नंबर सिक्स ऊपर लिखूंगा। पॉइंट नंबर सिक्स लिखो वाक्य। क्या लिखेंगे? वाक्य। इसकी डेफिनेशन क्या होगी भाई? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है।
बात यह है कि वर्णों को मिलाकर शब्द बना और शब्दों को मिलाकर क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ निकले, इतनी बात समझ लो। अर्थात एक डेफिनेशन और लिख लो इसकी, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर मिलकर पूरे वाक्य के अर्थ का बोध कराते हैं, वे ही वाक्य कहलाते हैं। दो से दो, दो या दो से अधिक शब्द मिलेंगे तो वो वाक्य बन जाएगा, है ना। कैसे, एग्जाम्पल लिख लो, कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, है ना। लिख लो पार्थ क्रिकेट खेलता है, दो एग्जाम्पल हो गए। मतलब शब्द जिस शब्द वो होते हैं जिनका अर्थ निकले, और शब्द मिलकर क्या बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, और वाक्य का भी अर्थ निकलना चाहिए। तो इसकी एक पॉइंट है, विशेष करके लिख लो भावार्थ। भावार्थ क्या होता है, भाव आ रहा है ना, कि देखो कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, इसमें एक भाव आ रहा है। तो भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, होती है वाक्य। होती है वाक्य, इतनी बात समझ में आई। अब आएंगे वाक्यांश पर। ये हो गया वाक्यांश। अब वाक्यांश क्या होता है, जब दो या दो से अधिक शब्द तो मिलते हैं पर वाक्य का पूर्ण अर्थ नहीं निकल पाता। जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते तो हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते। वाक्यांश कहलाते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे क्या है। उदाहरण क्या है, उदाहरण है यदि यदि कपिल मेहनत करता। भाई इतना देखो समाप्त हो गया, यदि कपिल मेहनत करता तो उसने खाली ये क्या बताया कि यदि कपिल मेहनत करता, और तो कुछ नहीं बताता है। ठीक, अगला एग्जाम्पल लिख लो, यदि तुम जाओगे, पूरा एम डिसाइड नहीं हो रहा है, बस खाली वो बता रहा है तो अधूरा है ना। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलते हैं परंतु पूरे अर्थ का बोध नहीं करा पाते तो वो वाक्यांश कहलाते हैं। और जब दो या जब शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, दो या दो से अधिक शब्द मिलकर पूरे वाक्य का अर्थ का बोध कराते हैं।
तो वो क्या कहलाते हैं? वाक्य। जो नहीं करा पाते वो क्या कहलाते हैं? वाक्यांश। इतनी बात ध्यान रखेंगे वाक्य और वाक्यांश में। अब आगे आते हैं हम पॉइंट नंबर एट पे। इतनी बात उठा लो, देखो भैया पॉइंट नंबर एट क्या है? पॉइंट नंबर एट है पद। पहले इसकी परिभाषा लिख लो या पहले समझोगे? देखो समझो, जैसे वो क्या है, तो किसी का नाम है मोहन, तो यो क्या कहलाएगा? यो तो शब्द कहलाएगा, है नहीं भाई? अगर यो शब्द वाक्य में प्रयोग हो गया तब क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। कैसे? मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो ये जो मोहन शब्द था ये इस वाक्य में प्रयुक्त हो गया, तो अब यो क्या कहलाया? अब यो कहलाया पद। यहां पर तो इसकी डेफिनेशन क्या बनी? इसकी डेफिनेशन ये बनी कि जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग किया जाता है और उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक रूप मिल जाए। तो वह पद कहलाता है। इतनी बात समझो क्या है कि जब किसी शब्द को ये शब्द है वाक्य में प्रयुक्त किया गया तो उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है। भाई ये अन्य शब्द हो गए। अन्य शब्द कौन कौन से हो गए? पुस्तक पढ़ता है ना, तो उस शब्द का अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाए तथा उस शब्द को व्याकरणिक मतलब व्याकरण के अनुसार रूप मिल जाए तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। तो ये हुआ पद हमारा। जैसे इसमें एग्जाम्पल में भेजा रही हूं कैसे? रवि पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें बताओ पद क्या होगा? इसमें पद होगा ये रवि, है ना? और अन्य शब्द कौन से होंगे? पुस्तक पढ़ता है। तो देखो संबंध भी तो स्थापित हो गया रवि का। रवि पुस्तक कौन पढ़ता है? रवि पढ़ता है नहीं? ठीक, इतनी बात समझ में आई। ये होता नहीं है पद। अब आ गया अब हम देखेंगे शब्द और पद में अंतर क्या है। शब्द और पद में अंतर देखेंगे हम। पॉइंट नंबर 9 देखेंगे शब्द में पद में
अंतर। तो अंतर क्या है? देखो ये सबसे पहले देखो शब्द क्या है। जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाए शब्द कहलाता है, इतनी सी बात ध्यान रखियो कि जब किसी शब्द को अकेला प्रयोग किया जाए तो क्या कहलाता है? शब्द। और पद में क्या है? पद क्या होता है? जब किसी शब्द को वाक्य के साथ वाक्य में प्रयोग किया जाए वह शब्द फिर क्या बन जाता है? वह किया जाए तो वह पद कहलाता है। ऐसे मान लो एक शब्द है, विजय क्या है? एक शब्द है, विजय एक शब्द है। अब मैं लिख दूं विजय खाना खाता है, अब ये क्या शब्द, ये जो शब्द था ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पद। इतनी बात थी, ठीक। अब देखो पॉइंट नंबर 10, हल या हलंत। हल या हलंत क्या होता है? ऐसे मान लो मैंने लिख दिया के, मैंने नीचे हलंत लगा दिया, ये चिन्ह होता है हलंत का। इसको अगर मैं कह को तोड़ दूं तो क्या बनेगा? के प्लस ए, ठीक। इतनी बात समझो, अभी हलंत का जो चिन्ह है वो क्या है? ये छोटा सा है, नीचे लगा देते हैं किसी भी वर्ण के नीचे, अगर लगा दिया तो वो हलंत हो जाता है। और हलंत का जो रूप है वो स्वर है। तो देखो कोई भी वर्ण होता है ना, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, लिखो पहले डेफिनेशन लिखो, प्रत्येक व्यंजन वर्ण, प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से बोला जाता है। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से बोला जाता है जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर देते हैं, कर दिया जाए तो वह व्यंजन अधूरा हो जाता है। व्यंजन क्या हो जाता है? अधूरा हो जाता है। इस अधूरेपन को दूर करने के लिए दूर
दूर करने के लिए व्यंजन के नीचे तिरछी तिरछी रेखा खींची जाती है। उसे ही अनंत कहते हैं, उसे ही अनंत कहते हैं। सही, जैसे मान लो क्या है जब यो क्या है तिरछी रेखा है, इसको इसका रूप क्या होगा तोड़ेंगे तो जब खैर प्लस है। मान लो मैं लिख दू ऐसे खे, मैं लिख दू यहां पे प्लस आ, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं। प्रत्येक व्यंजन वर्ण स्वर के संयोग से बोला जाता है। स्वर हमेशा स्वर होते हैं स्वतंत्र, हमेशा स्वतंत्र बोले जाएंगे आ आ ई उ पे ई, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब व्यंजन में से स्वर को अलग कर दिया जाए, स्वर अलग हो गया, ये तो हो गया व्यंजन और ये हो गया स्वर, तो स्वर को अलग कर दिया जाए तो व्यंजन क्या हो जाता है, अधूरा हो जाता है, ये हो गया। तो व्यंजन के इस अधूरपन को दूर करने के लिए हम व्यंजन के नीचे तिरछी रेखा खींचते हैं। ये तिरछी रेखा है, यो है तिरछी रेखा। तो इस अधूरपन को दूर करने के लिए तिरछी रेखा की जाती है, उसे ही हम हलंत कहते हैं। जैसे मैं लिख दू क्या लिखू, मैं लिख दू गै, ये मैंने गै लिख दिया ऐसे करके, तो इसका अर्थ कैसे निकलेगा, गै प्लस ए। सही, यही बात थी भैया। अब हम आगे देखें क्या, इस रफ कर देता हूं और लेक्चर नंबर 4 में ना आपको बताऊंगा एक तरफ बताऊंगा मैं आपको स्वर और एक तरफ बताऊंगा आपको व्यंजन लेक्चर नंबर 4 में। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। Thank you.